हम सफल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में जब हम असफल हो जाते हैं तो एक उदासी छा जाती है और दूसरे कार्य करने के प्रति भी हमारी अरुचि पैदा हो जाती है। यह अरुचि एक लंबे समय तक या पूरे दिन को बर्बाद कर देती है। तो हमें इस समय ऐसा करना चाहिए कि हमें कार्य को रोकना नहीं चाहिए। अगर एक कार्य में सफलता नहीं मिलती है तो दूसरे कार्य को पकड़ लेना चाहिए। जब उसमें कुछ सफलता मिलती है तो वह उस कठिन कार्य को भी आजमाना चाहिए जिसमें हम असफल महसूस कर रहे हैं, अर्थात मन को लगातार प्रोत्साहित करते रहना चाहिए जिससे वो कार्य में लगा रहे और निरंतर आगे बढ़ता रहे। छोटी छोटी असफलताओं को छोटी छोटी सफलताओं से ही काटा जा सकता है, इसलिए प्रयास करें, सुबह जल्दी उठें और छोटे छोटे कार्य करके उनको सफल बनाएं, तो वह उत्साह निरंतर बना रहेगा और दिन भर तब तक कार्य करते रहें जब तक शरीर की क्षमता है। एक दिन में जितना कार्य कर सकते हैं कर लें, खाली न बैठे रहें। खाली बैठे रहें तो भी अपनी उन्नति की ही विचार करते रहें, लगातार अपने मन को आगे बढ़ने हैं तो प्रोत्साहित करते रहें। कोई भी असफलता आखिरी नहीं होती है, वह सफलता का ही दूसरा रूप है जो हमें अगले पद पर ले जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसलिए लगातार कार्य करते रहें और निरंतर सफलता की ओर बढ़ते रहें। और सबसे अच्छी बात है, दूसरों से तुलना कभी मत करें। दूसरों से तुलना करते ही मन निराशा की ओर बढ़ जाता है। एक निराश मनुष्य को स्वयं के कार्य करने को रोकता है, इसलिए निरंतर स्वयं से ही तुलना करें। स्वयं में कितना सुधार हो रहा है उसी की ओर दृष्टिपात करते रहें, तभी मनुष्य का निरंतर विकास हो सकता है और वह सफलता की ओर बढ़ सकता है।